सड़कों पर दारोगा से दबंग गई। दारोगा को धमकाते बीजेपी नेता, पुलिस के साथ भिड़ते भाजपा कार्यकर्ताओं का हाईवे पर हंगामा। ये तस्वीरें मेरठ की है। बीजेपी का पार्षद आशु रस्तोगी सत्ता के रौब में एक दारोगा को धमका रहा है। वाहन चेकिंग को लेकर हुए विवाद में बीजेपी नेता ने दारोगा को देख लेने की भी धमकी दे डाली। दरअसल मेरठ में 5 जुलाई की शाम को पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान बीजेपी पार्षद आशु रस्तोगी का बेटा स्कूटी से कोचिंग पढ़ने जा रहा था। पुलिस के मुताबिक छात्र ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। पुलिस ने उसकी स्कूटी रोककर ड्राइविंग लाइसेंस और कागजात मांगे तो वो नहीं दिखा सका। पुलिस ने उसकी स्कूटी का चालान कर दिया। लड़के ने अपने पिता को फोन कर दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अपने बेटे की गलती मानने के बजाय बीजेपी पार्षद आशु रस्तोगी चेकिंग करने वाले दारोगा से ही भिड़ गए। उसके साथ परिवार के लोग और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी बताए जाते हैं। सब मिलकर पुलिस वालों पर दबाव बनाने लगे। बीजेपी नेता आशु ने तो दारोगा को सीधे सीधे धमकी दे दी और बेटे को परेशान करने का आरोप लगा दिया। दारोगा उन्हें समझाने की कोशिश करता रहा कि वाहन चेकिंग के दौरान कागजात नहीं होने पर चालान किया गया है, लेकिन बीजेपी के लोग नहीं माने। करीब 20 मिनट तक सिविल लाइन्स इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा चलता रहा। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आखिरकार सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं के दबाव में पुलिस ने कागजात दिखाने पर बीजेपी नेता के बेटे की गाड़ी रिलीज कर दी। और वहीं इस हंगामे को लेकर पुलिस के आला अफसर बैकफुट पर नजर आए। चालान काटने को लेकर कुछ बात हुई होगी, जो नियमानुसार कार्रवाई हुई वो सबके लिए लागू है तो उनके लिए भी होगी, और पुलिस के लेवल पे अगर किसी ने दुर्व्यवहार किया, किसी के साथ में शिकायत होगी तो फिर उसके खिलाफ जांच होगी और अगर बात सही है तो फिर कार्रवाई होगी। सड़क पर बीजेपी नेताओं की पुलिस से भिड़ंत वाली ये पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले गोरखपुर में बीजेपी विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल महिला सीओ चारू निगम से भिड़ गए थे, और कुछ दिन पहले बुलंदशहर के स्याना में महिला सीओ श्रेष्ठा सिंह के साथ जिला पंचायत सदस्य के पति प्रमोद लोधी ने बदसलूकी की थी। सीएम योगी कई बार बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को ये नसीहत दे चुके हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर बनाने में पुलिस का सहयोग करें, लेकिन बीजेपी के लोग हैं कि सत्ता के सुरूर में पुलिस पर भी रौब जमाने की कोशिश करते हैं। इससे पुलिस का मनोबल और योगी सरकार की छवि दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। राजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मेरठ।